करनाल के सलारपुर गांव में महिला की मौत का मामला गरमाया हुआ है। आज मंगलवार को मृतका के परिजनों ने मृतका शव करनाल के मर्चरी हाउस से उठाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने तक शव ना उठाने पर अड़े हुए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला से दहेज की मांग की जाती थी, उस दहेज के लिए उसे तंग किया जाता था। परिजनों के आरोप लगाया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। करनाल के गांव सलारपुर में विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सलारपुर गांव में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, परंतु जैसे ही वहां पर पहुंचे और डेड बॉडी को नीचे उतारा तो परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और बयान अंकित कर मामला दर्ज कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लड़की को परेशान करते थे, जिसकी वजह से लड़की परेशान रहती थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वहीं परिजन मृतका का शव उठाने से मना कर रहे हैं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सुनील, क्या पूरा मामला है यहाँ पे, आप कब से बैठे हैं? सर, हमारी सिस्टर की शादी मैंने 2014 5 फरवरी को सलारपुर गांव में की थी जी, जो ये करनाल में पड़ता है, कुंजपुरा थाना लगता है जी। तो ये कल हमारे पास 11 बजे खबर आई थी कि किसी और आदमी ने की, उसके परिवार ने, किसी के ससुराल वालों ने फ़ोन नहीं किया हमारे पास भी क्या हुआ है क्या नहीं, किसी और दूसरे गाँव से फ़ोन आया हमारे पास भी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है और तुम्हारी लड़की को इन्होंने मार दिया। तो हम जब वहाँ पहुंचे, हमने SHO के पास फोन किया, SHO मौके पर उसकी बॉडी को वो शमशान घाट में ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पुलिस ने रोका है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं तो FIR भी करा दी है, बाय नेम पांचा के नाम दे रखे हैं जी माने, तो उसमें ये गिरफ्तार नहीं कर रहे उनको। हमारी मांग यही है कि इंसाफ चाहिए, माना 5 के 5 जो बंदे के बाय नेम नाम है उन सभी को गिरफ्तार होने चाहिए जी। हमारी जब कभी हम डेड बॉडी उठाएंगे, नियम उठाएंगे, पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। तो आप कब से यहाँ पर बैठे हैं? कल भी आए थे, 3 घंटे तो कल बैठ के गए, सुबह 8 बजे से यहीं, आज सुबह 8 बजे से फिर बैठे, समाज बरादरी पूरा गांव। आप सरकार से क्या अपील करते हैं, किस तरह के आप इंसाफ मिले? सरकार से हम खट्टर साहब CM साहब से यही अपील करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये, जब इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं भी, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दावा है जी इनका, देख लो आप कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको पूरी सख्त सख्त सजा हो और उनको मतलब कि गिरफ्तार करके पूरे जो तो क्या मामला था, कोई पुरानी रंजिश थी या? हाँ हाँ, उसमें पता क्या है, काफी दिनों से क्लेश चल रहा था उनके घर के अंदर जी, दहेज के लिए उसको मार प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट कर रहे थे उसके साथ, कभी कुछ मांग रहे थे, कभी कुछ 48,000 रुपये एक दे रखे हैं मोटरसाइकिल के, 10,000 रुपये दो दिए हैं उसको, दुकान करके दी है लड़के को। कितना समय हुआ था शादी को? शादी 2014 5 फरवरी को हुई थी शादी उसकी, लड़की का शुरू से एक बच्चा है, 4 साल मेल बच्चा है, 4 साल जी। आपका क्या नाम है? सुनील। और कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम चंदलाना के रहने वाले हैं। गली लड़की की 5 आदमियों ने गला दबा के हत्या की गई है, निशान है उसके गले पे। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसके मामे का लड़का हूँ, ब्रदर हूँ उसका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.